हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए एक यूनिक सा चीज़ बनाएंगे। तो आप ये सब जानते होंगे, आइसक्रीम का चम्मच है लकड़ी वाला, इसमें आइसक्रीम जमाने का काम आता है। आज इस दीपावली पर, अभी तो दीपावली बनाने वाला है, तो आज हम एक होम डेकोरेशन का यूनिक सा चीज़ लेकर आए हैं बनाने के लिए। इसमें वॉल फोटो हम बनाएंगे, इसमें फ़ोटो लगा सकते हैं आप। तो चलिए इसे बना लेते हैं। हम कम से कम 50 चम्मच ले लेने हैं आइसक्रीम का, लंबा वाला, और छोटा वाला 10 से 20 ले लेने हैं। देखिए 10 से 15 के करीब, 10 से 12 के करीब हमने इधर लंबे में सजा लिया है। और इन सभी डंडियों पर हमें गोंद लगा लेना है, पूरा अच्छे तरीके से गोंद लगा कर इनको हमें सभी सटा लेना है। तो आप इसको प्रोसेस ज़रूर से अपने अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, तभी ये कितना सुंदर बनकर रेडी होगा। आप देखने चाहेंगे तो देखते रह जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए ये दोनों तरफ हमने सटा दिया, इसे ऐसा ही करीब हमें तीन और बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए इसे 10 मिनट के लिए हम दोनों तरफ से अच्छा से सुंदर से कर देंगे, एकदम बराबर की ओर। और तो देखिए ये दोनों तरफ से सट चुका है। अब एक तरफ इधर से एक लगा देंगे और इधर से एक, जिससे हमें फ़ोटो इसके अंदर में घुसाने से आसानी होगा। तो देखिए दोनों तरफ हम एक एक कर और लगा देते हैं डंडी। ये लंबा वाला डंडी है, बहुत ही आप ऐसा ही लीजिएगा। तो चलिए ये बनकर अब रेडी हो गया। अब ये दोनों को तरफ लगा दे रहा, आपको हिल डुल नहीं, हिलाना उलाना नहीं है। अब ऐसे ही 10 से 15 मिनट करके रख देना है, ये बिल्कुल सट कर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम दिखाते हैं। ये पतला वाला चम्मच लिया है, करीब इसी की तरह आपको 6-7 लगा लेना है लंबा कर इसी तरह सभी पे गोंद लगा देंगे। ये चम्मच आइसक्रीम खाने वाला है और चम्मच जमाने वाला था। आप ध्यान से देख लीजिएगा कि हमने कैसा चम्मच लिया है। थोड़ा हल्के हल्के हाथों से हम लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस डंडी को हमने कलर कर दिया है, दो कलर से किया है। देखिए एक तरफ ग्रीन एक तरफ येलो हमने लगा दिया है। इन सभी को अच्छे से हम बराबर के और कर लेंगे। इसको हमें बहुत ध्यान से ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन ये आप होम में लगाएंगे, अपने घर में सजाएंगे तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो जाएगा। तो चलिए इन सबको अब हम साइड कर लेते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए हमने दो पहले से ही बनाकर रख लिया था और ये दोनों एकदम भी सूखकर बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो चलिए अब हम देखिए, एक पॉकेट किरकिरी का लिए है। आप कोई भी किरकिरी अपना मन से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में हमने गोंद लगा दिया था, इन ही दोनों साइड में हमें लगाना है। हम सभी पर इसी प्रकार लगा लेंगे गोंद को और किरकिरी को। तो देखिए पेपर हमने नीचे रख लिया था, ऐसे ऐसे चम्मच के करीब से हम रख कर अच्छा से सुंदर से सजा देंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रोफाइल, अपने ट्विटर, अपने व्हाट्सएप पर, किसी को भी अपने घर परिवार के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए कि प्लीज़ ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर ही, और हमें कॉमेंट कीजिएगा कि कैसी हमारी ये लगी होम डेकोरेशन का। तो ऐसे ही हम और होम डेकोरेशन का सामान लेकर आते रहेंगे आपके लिए इस दिवाली पर। तो देखिए सभी पर हम लगा लेते हैं। अब इनको झाड़ कर हटा लेंगे, जो बाकी थे ज़्यादा बचे हुए थे ये सभी को हम हटा लेते हैं। तो अब ये इन्हीं तीनों में लगाया है और वो छोटा वाला चम्मच से बना है, जिन उनमें भी हम लगा कर सभी को रख देंगे। इन सभी में भी हम अब किरकिरी कलर अच्छे से हमें पूरा डिप कर देना है, किरकिरी में एकदम येलो येलो हो जाना चाहिए पूरा चारों तरफ से। तो देखिए सभी में हमने किरकिर लगा कर रख लिया और बिल्कुल भी ये सेट कर तैयार हो गया। तो ऐसे ही सेम टू सेम हमें सजा देना है और दो डंटियों की मदद से लेकर इनको बिल्कुल आसानी तरह से सटा देना है। तो देखिए आप गोंद लगा कर हम सटा देते हैं, ऐसे ही आप 20 से बड़ा वाला डंटी को लेकर तोड़ कर आप बहुत ही नेक सा सटा कर बना सकते हैं। देखिए हाथों की अपनी मदद से अच्छे से हमें एकदम सोझा मानी सीधे की ओर
सजा लेना है। और छोटा सो जो जो बनाया हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ये छोटा वाला ही चम्मच इसमें यूज करेंगे एक एक कर कर। तो चलिए दोनों को अब हम सटा कर रेडी कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए इसको भी हम सटा कर रेडी कर लेते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, चारों पट्टी से हमारा सट कर रेडी हुआ। तो देखिए कैसा हमने सटा कर रेडी कर लिया। इसे 10 मिनट तक आप सूखने दीजिएगा। अब इसे पलट लेते हैं और दो डंडी ऊपर लगा देना, एक इधर से करके स्क्वायर के जैसा आपको दो लगा देना। बड़ा लगाना है तो बड़ा लगाइए, छोटा लगाने से नहीं होगा, बड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने दो बड़े ले लिए थे और बड़े को दोनों तरफ से ऐसे ज्वाइंट कर देना है हमको गोंद की मदद से अच्छे से, तब इसको हमें दीवार पर टांगने के लिए हो जाएगा। तो चलिए ये सट जाए। तो देखिए हमारा ये सट कर रेडी हो चुका है। अब इसको पलट कर हम सीधा कर कर इसमें कुछ थोड़ा डेकोरेशन कर देंगे। इस तीनों में हम फोटो लगाएंगे, कुछ भी डेकोरेशन नहीं करेंगे। ये नीचे वाला में ही हम कुछ डेकोरेशन करते। देखिए हम छोटा सा स्क्वायर वाला ये शीशा लिए थे, ये अब आपको बाज़ार में अवेलेबल मिल जाएगा। तो गोल वाला बहुत बड़ा हो जा रहा था तो हम नहीं लगाएंगे, ये स्क्वायर वाला ही लगाकर आपको दिखाते हैं। तो सभी पे चारों पट्टी से बहुत ही सारा गोंद लगा लेना है हमें। तो देखिए ये स्क्वायर वाला ही हम चार लगाएंगे ऐसा कर कर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने शेयर कीजिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिल पाएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड। आप ज़रूर बताइएगा शेयर कर कर। देखिए ये थोड़ा छोटा छोटा फोम वाला है, इस पर किरकिरी कलर किया होता है, हमने ये बाज़ार से ही लिया है। एकदम फोम के जैसा मुलायम मुलायम रहता है, ये मोती वोती नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको इस पर भी इसे चिपकाना है। तो चार शीशे हमने गोल वाले और लगाए थे, आओ देखिए बेहतरीन से हमारा सट कर तैयार हो गया है और नीचे में कितना सुंदर डेकोरेशन हो चुका है। और एक एक कर कर ये स्क्वायर वाला शीशा हम इधर ऊपर में भी लगा देंगे। देखिए हम दोनों तरफ एक एक कर कर लगा देते हैं। अब बारी होगा फोटो खुचाने की, फ़ोटो लगाने की। तो हम ले लेंगे अपने बच्चे के फ़ोटो, या कोई भी आप फ़ोटो ले सकते हैं, इनमें सजा सकते हैं। आपको इधर की साइड से फ़ोटो लगाना है तो देखिए हम लगाकर दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये चार फ़ोटो ले लिए, तीन ठो ही इसमें लगाना। तो देखिए आपको ऐसे कर कर घुसा लेना, बहुत ही आसानी तरह से सूख जाए, ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे बेटे का फ़ोटो था, हमारी बेटी का जन्मदिन राखी के दिन ही हुआ था, तो उसको राखी बांधकर मिष्टी खिला रही थी। तो देखिए हमने सभी फ़ोटो को छोटे छोटे बच्चों का किड्स वेयर फ़ोटो लगा दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड ज़रूर हमें बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, आप इस वीडियो को इन्जॉय करते रहिए, अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा।